चैप्टर मतलब जो है पार्ट पढ़ाएंगे, आज आपका उत्तरवेदी काल समाप्त हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न हैं, आज थोड़ा फास्ट करेंगे ताकि सारे प्रश्नों को आप लोगों को जो है आज कम्प्लीट करा सके, बता सके। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, तो माइंड को बिल्कुल कंसेंट्रेट करेंगे और चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए शुरुआत करते हैं 16 संस्कार से। ये संस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। 16 संस्कार आपके सामने दिए हुए हैं, एक एक करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला संस्कार होता है वो गर्भाधान का होता है, यानी कि बच्चे के गर्भ में आने के पहले ही ये संस्कार किया जाता है कि जो बच्चा है और गर्भ में आए जो है स्वस्थ हो, अच्छा हो, उसके लिए किया जाता है गर्भाधान संस्कार। दूसरा जो संस्कार है पुंसवन संस्कार, ये पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है कि जो बच्चा हो वो पुत्र हो, जो कि इस काल में पुत्र की ज्यादा वैल्यू की जाती है, पुत्र की प्राप्ति को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो तीसरा संस्कार है ये सीमांतोन्नयन संस्कार है, ये गर्भ में पल रहे बच्चे की सुरक्षा के लिए किया जाता है कि जो गर्भ में बच्चा है वो जो है स्वस्थ हो, हृष्ट पुष्ट हो, उसके लिए सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। चौथा जो संस्कार है वो जात कर्म संस्कार है, इसमें पिता पहली बार बच्चे को अपने हाथों से घी और शहद को चटाता है या घी और शहद का सेवन कराता है छोटे बच्चे को, ये पहली बार जो कुछ खाता है बच्चा को घी और शहद। और जो पांचवा है ये नामकरण संस्कार होता है, इस संस्कार में बच्चे का नाम रखा जाता है। जो छठा संस्कार है ये निष्क्रमण संस्कार है, इसमें पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है और जो पिता है बच्चे को बाहर निकाल करके उसको धूप या बाहर की रोशनी दिखाता है, ये निष्क्रमण संस्कार है। जो सातवां संस्कार है ये अन्न प्राशन संस्कार है, पहली बार जो पिता है बच्चे को अन्न का अन्न ग्रहण कराता है, ये लगभग जो है 8 से 9 महीने के बाद का होता है अन्न प्राशन संस्कार, इसमें पहली बार बच्चे को अन्न खिलाया जाता है या जो है अनाज खिलाया जाता है। आठवां जो संस्कार है ये चूड़ाकरण संस्कार है, इसमें बच्चे का मुंडन किया जाता है, ये या तो एक वर्ष यानी कि प्रथम वर्ष में होता है या तीसरे वर्ष में होता है। मुंडन संस्कार जो है वो या तो प्रथम वर्ष में होगा या तीसरे वर्ष में होता है, जब पहली बार बच्चे का या बालक का बाल जो है वो एक तरीके से कहेंगे कि मुंडन कराया जाएगा। जो नवा संस्कार है वो परछेदन या परछेद संस्कार है, इस संस्कार में बच्चे के कान को उसमें छेद किया जाता था, कान में होल किया जाता था, कान में जो है छेद किया जाता था, ये संस्कार नवा है। जो दसवां संस्कार है ये विद्यारंभ संस्कार है, ये घर पे ही बच्चे को पढ़ाने की जो परंपरा है शुरू की जाती है, पहली बार वो अक्षर को लिखने का प्रयास करता है और इसकी जो शिक्षक होती है मोस्टली माँ ही होती है, ये आपका दसवां संस्कार है। जो आपका ग्यारहवां संस्कार है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये उपनयन संस्कार है, एग्जाम में आया भी है कि उपनयन संस्कार किस नंबर का संस्कार है या जो चूड़ाकरण संस्कार है ये किस नंबर पे आता है, तो आपको ये नंबरिंग भी याद करना होगा। तो जो उपनयन संस्कार है ये 11वें नंबर का संस्कार है, इस संस्कार में बच्चों को जो है जनेऊ धारण कराया जाता है या यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, और इस संस्कार के बाद जो बच्चा है वो घर छोड़ देता है और आश्रम में जाकर के रहता है अपने गुरु के समीप, और इस समय जो बच्चा है वो आखिरी बार अपनी माँ के साथ भोजन करता है, उसके बाद ब्रह्मचर्य आश्रम में चला जाता है और 25 वर्ष के बाद वो वापस जब लौटता है तब वो फिर से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो ये जो है आपका उपनयन संस्कार, इस संस्कार के बाद बच्चा अपने गुरु के पास चला जाता है और गुरु के समीप रह करके शिक्षा अध्ययन करता है, और जो बालक गुरु के समीप रह के शिक्षा अध्ययन करते हैं उनको अंतेवासी कहा जाता है। अंतेवासी ये एग्जाम में आया है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा करने वाले विद्यार्थी को क्या कहते हैं, अंतेवासी कहा जाता है। वेदारंभ संस्कार, ये संस्कार वेद के अध्ययन को लेकर के है, वेद अध्ययन को आरंभ करने से लेकर के वेदारंभ, इसके बाद आता है केशांत अर्थात जो है इसको गोदान के नाम अथवा गोदान के नाम से भी माना जाता है, ये 16 वर्ष की आयु में होता है, सॉरी ये जो 16 वर्ष की आयु में होता है केशांत, यानी कि यहाँ पे जो बच्चा है उसका बाल, यहाँ पे आपने देखा कि जब बाल छिलाया जाता है तो या तो प्रथम वर्ष या जो तीसरे वर्ष में बाल उसका छिलाया जाता है,
या उसका बाल जो है मुंडन किया जाता है, उसके बाद जो बाल उसका मतलब जो है अंत होता है वो फिर 16 वर्ष की आयु में केसान होता है, जिसको गोदान भी कहते हैं। इसके बाद समावर्तन संस्कार होता है, ये संस्कार घर वापसी का होता है, जब उसका जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में टाइम पूरा हो जाता है या 25 वर्ष कंप्लीट हो जाते हैं और वो वापस अपने घर लौटता है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, तो घर वापसी के जो संस्कार होते हैं उसको समावर्तन संस्कार कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आया है कि कितने संस्कार हैं जो शिक्षा से संबंधित हैं, तो आप यहाँ देखेंगे वेदारंभ उपनयन और आपका विद्यारंभ उपनयन वेदारंभ और आप देख रहे हैं ये समावर्तन, ये आपके चार संस्कार हैं जो शिक्षा से संबंधित है, विद्या वेदा उपनयन और समावर्तन, ये चार संस्कार हैं जो शिक्षा से संबंधित है। एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। समावर्तन के बाद आता है विवाह संस्कार, यानी कि व्यक्ति जो है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और शादी करता है। उसके बाद जो लास्ट संस्कार आता है वो अंत्येष्टि संस्कार आता है, यानी कि जो मृत्यु के बाद संस्कार होता है वो अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसका क्रम भी पूछता है कि सही क्रम में लगाइए, ये ऑप्शन में दे दिए जाएंगे वर्ड्स और आपको इनको क्रम में लगाना होगा कि सबसे पहले कौन सा संस्कार आया है और उसके बाद कौन से संस्कार का क्रम आता है, नंबरिंग भी पूछ सकता है, क्रम भी पूछ सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को नंबरिंग भी याद होना चाहिए और इसका क्रम भी याद होना चाहिए कि कैसे इसका क्रम आता है। तो इसके लिए ट्रिक बता दे रहे हैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को आसानी लगे सुविधा लगे तो याद कीजिएगा। जो ये पहला और दूसरा है इसको आपको ऐसे याद करना होगा, उसके बाद जो ट्रिक है इसमें है सी जे ना नी आ चू कर वी उ वे बी उ वे के और श के और लास्ट के दो याद करने हैं, शुरुआत के दो गर्भाधान पुंसवन अगर आपको याद हो जाते हैं तो सी जे ना नी और चूक बी उ वे केस, ये ट्रिक याद कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट के दो विवाह और अंत्येष्टि आसान है, शुरुआत के दो और लास्ट के दो अगर याद रहे और ये ट्रिक याद है तो आप क्रम बहुत आसानी से बता सकते हैं और नंबरिंग भी बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो अगर ये आप लोगों को आसान लगे बच्चों तो ये ट्रिक आप लोग नोट करिए और ये ट्रिक आप लोग आसानी से अगर याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये क्रम भूल जाता है, याद नहीं रहता कि किस वर्ड के बाद कौन सा आया था, तो अगर ये आपको ट्रिक याद रहेगा शुरुआत की तो लास्ट की तो आपने याद किए हैं और इस ट्रिक के माध्यम से आप इसका क्रम इसका नंबरिंग और मतलब सारी चीजें बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सारे संस्कार के नाम भी आप आसानी से, क्योंकि आपका याद है तो आप कर्ण भेदन या कर्ण छेदन याद कर लेंगे, क्यों याद है यानी कि चूड़ाकरण आता है, तो इससे आपको आसानी से 16 संस्कार याद भी हो जाएंगे, इनका क्रम भी याद हो जाएगा और इनका नंबरिंग भी याद हो जाएगा जो एग्जाम में पूछता है। तो ये आप लोगों के लिए छोटा सा ट्रिक है, जो आपको अगर लगे कि आप कर सकते हैं तो इसको अपना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ने के उत्तर वैदिक काल में ये आप देख रहे हैं आप साम्राज्य का नाम, आपने इसके पहले देखा था कि भरत कबीला जो था वो सबसे शक्तिशाली कबीला था ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में पहली बार जो है अलग अलग राज्यों का उदय होता है या राज्य नए नए राज्यों का उदय होता है। अभी यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में आपने देखा था जो आर्य है वो कबीलों के रूप में है, छोटे छोटे कबीलों के रूप में है, उनका अलग अलग नाम है, वो पशुओं को चराते हैं, चारागाह के लिए आपस में युद्ध करते हैं, स्थानीय लोगों से युद्ध करते हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये कबीले जो है अपने आप को राज्य की तरह स्थापित करना शुरू कर देते हैं और इसमें से दो कबीला भारत और कुरु मिलकर के कुरु जो है साम्राज्य की स्थापना करते हैं या कुरु राज्य की स्थापना करते हैं। ये जो कुरु राज्य है ये दिल्ली के आसपास या दिल्ली के क्षेत्र को लेकर के दिल्ली प्लस ऊपरी द्वाब का मतलब है कि गंगा यमुना का जो ऊपरी क्षेत्र है, जैसे कि आप देखेंगे वर्तमान में जो उत्तराखंड का क्षेत्र है या जो दिल्ली के पास वाला क्षेत्र है उसको मिला करके दिल्ली के आसपास का क्षेत्र और ऊपरी द्वाब यानी कि गंगा यमुना के ऊपरी क्षेत्र का जो लैंड आता है द्वाब आता है, इन क्षेत्रों में फैला हुआ था कुरु राज्य का साम्राज्य जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी।
हस्तिनाम। लेकिन यहाँ पे बाढ़ आ जाता है और हस्तिनापुर जो है वो बाढ़ की वजह से नष्ट हो जाता है, तो इन्होंने अपनी राजधानी को ट्रांसफर कर लिया था, अपनी राजधानी को इन्होंने कौसाम्बी ट्रांसफर कर लिया, राजधानी का इन्होंने कौसाम्बी ट्रांसफर कर लिया था। और यही जो हस्तिनापुर है यानी कि यह ये जो कुरु साम्राज्य है, इसी के साम्राज्य में दो वंश थे, एक थे कौरव और एक थे पांडव, और इन्हीं के मध्य में महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। और जो कुरुक्षेत्र है ये हरियाणा में पड़ता है, और ये जो युद्ध हुआ था 950 ईसा पूर्व में हुआ था, 950 ईसा पूर्व में हुआ था इन्हीं कुरु राज्य के दो वंशों के मध्य, कौरव और पांडव के मध्य, जिसमें पांडव जीत गए थे और कौरव हार गए थे। ये यही कुरु साम्राज्य है जो भरत और कुरु मिलकर के स्थापना करते हैं। इनकी राजधानी हस्तिनापुर थी, लेकिन वो मतलब जो है बारिश की वजह से नाम में क्वेश्चन आया है कि मगध के लोगों को अथर्ववेद में किस नाम से संबोधित किया जाता था, तो ब्राक के वर्ड उनके लिए उपयोग किया जाता था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया है, आप लोगों को याद होना चाहिए। इसके अलावा उस समय यज्ञों की संख्या बढ़ गई थी, मैंने कल बताया भी कि अलग अलग दिशाओं के राजा को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, और अलग जो दिशा के राजा है वो अलग अलग तरह के यज्ञ किया करते थे। जैसे आपने कल देखा व्यक्ति राजा जो है वो राजस्वी यज्ञ करते हैं, जो सराट है अश्वमेध यज्ञ करते हैं। ऐसे ही कुछ आपका यज्ञों के बारे में वर्णन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से राजसूय यज्ञ का वर्णन है। राजसूय यज्ञ काफी भव्य समारोह होता था, और ये मोस्टली आज राज्याभिषेक के समय होता था, जब भी जो राजकुमार है उनका राज्याभिषेक होता था, उन्हें राजा बनाया जाता था, तो उस समय राजसूय यज्ञ स्थापित किया जाता था और ये काफी भव्य समारोह होता था। इस राजसूय यज्ञ में जो राजा की 12 रत्नियों को उपस्थित होना जरूरी होता था, उनके जो 12 रत्नी है वो कौन होते हैं, तो राजा के जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो राजा का उनके साम्राज्य में उनके जीवन में मदद करते हैं, उन्हीं को रत्नियों के नाम से जाना जाता था। जैसे रत्नी वर्ण आप आगे भी सुनने को मिलेगा कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उनके 9 रत्न थे, अकबर के 9 रत्न थे, शिवाजी के अष्ट क्या थे, प्रधान थे, और अष्ट दिग्गज कृष्णदेव राय के थे। तो इसी तरह का यहाँ पे आप देखेंगे जो उत्तर वैदिक काल में जो राजा है उनके 12 रत्न हुआ करते थे, जिसमें से जो पहला रत्न है वो सेनानी है यानी कि सेनापति है, जो युद्ध में सेना का नेतृत्व करता था। दूसरा जो है वो पुरोहित है, जो मंत्रोच्चारण करता है और राजा को सलाह देता है। तीसरा जो है युवराज है यानी कि राजा का पुत्र होता था, वो तीसरा रत्न है। और जो चौथा रत्न है वो महिषी है, महिषी मीन्स होता है राजा की मेन रानी या पट रानी, जो राजा के साथ सारे समारोहों में यज्ञ आदि में सम्मिलित होती है, उनको महिषी कहा जाता था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि महिषी किसे कहा जाता था, तो राजा की जो मेन रानी होती थी या पट रानी होती थी उनको महिषी कहा जाता था। जो पांचवा है रत्निन वो सूत था, सूत मीन्स राजा का सारथी जो कि रथ को चलाता था वो सूत होता था। और जो छठवां रत्निन है वो ग्रामणी होता था यानी कि ग्राम का प्रधान या ग्राम के प्रशासन देखने वाला। और जो आपका सातवां है ये प्रतिहारी है, इसको छत भी कहा जाता है, जो द्वारपाल होता था यानी कि जो राजा के किले का द्वारपाल होता था, ये भी सातवां रत्निन है। और आठवां जो रत्निन है वो जो है संग्रहित है, संग्रहित संग्रहित है, संग्रहित मतलब कोषाध्यक्ष, जहाँ पे सारे टैक्स को कलेक्ट करके रखा जाता था, जो कि आपको पता है इस अभी इन सब कालों में जो वस्तु विनिमय है वो बड़े पैमाने में है, तो यहाँ पे लोग जो अनाज के रूप में कोष में चीजों को संग्रहित करते हैं, जमा करते हैं, तो उसको संग्रहित कहा जाता था, उसको कोषाध्यक्ष भी कहा जाता था। जो नौवा है ये भागदूत है यानी कर संग्रह करने वाला, इस टाइम में कर को भाग कहा जाता था यानी कि उत्पादन का एक हिस्सा राजा के लिए लिया जाता था, और वो मोस्टली जो होता था वो सोलहवा हिस्सा होता था, सोलहवा भाग टैक्स के रूप में लिया जाता था, और ये जो टैक्स कलेक्ट करता था वो भागदूत होता था, जो आपका एक रत्निन है। इसके अलावा जो दसवें नंबर का रत्निन है वो अच्छबाप है, यानी कि राजा के खेल में यानी कि पासे के खेल में राजा का सहयोगी, जो राजा के साथ पासे के खेल में उनका सहयोगी होता था वो होता था अच्छबाप, अच्छबाप
और जो आपका ग्यारहवां है वो पालागल है। पालागल पालागल मीन्स राजा का मित्र या विदूषक या संदेश वाहक, ये होता था पालागल। और ये ग्यारहवें नंबर का रत्निक है। और जो आपका बारहवें नंबर का रत्निक है वो है गोविकर्तन, यानी कि शिकार में राजा का सहायता करने वाला गोविकर्तन कहलाता था। ये 12 रत्निक होते थे जो राजा के राजस्व यज्ञ में इनका उपस्थित होना बहुत जरूरी था। इसमें से 4 रत्निक का स्त्री होना जरूरी था, ये भी बहुत अच्छी चीज थी। इसमें से कम 4 रत्निक जो है वो स्त्री होने चाहिए थे। ये 12 रत्निक है। और इसके अलावा एक रानी वहां पे जो है जब भी यज्ञ अनुष्ठान होता था तो एक रानी का उपस्थित होना जरूरी था, एक हाथी का उपस्थित होना जरूरी था और एक सफेद घोड़े का उपस्थित होना जरूरी था। और इसके अलावा एक सफेद बैल का उपस्थित होना जरूरी था। और इसके अलावा एक सफेद छत्र का उपस्थित होना जरूरी था। छत्र मीन्स होता है जो रथ के ऊपर या सिंहासन के ऊपर छतरी नुमा स्ट्रक्चर बना रहता है उसी को छत्र कहा जाता था। जो राजा के ऊपर छांव देती थी या छाया का काम करता था उसे छत्र कहते थे। तो एक सफेद छत्र भी होना जरूरी होता था। तो राजस्व यज्ञ में इतनी चीजों का होना बहुत जरूरी है। इस यज्ञ में जो राजा होता था बड़े पैमाने पे दान दक्षिणा दिया करता था, भव्य समारोह होता था। इन रत्नियों को राजा रत्न दिया करते थे या उपहार दिया करते थे, इसलिए इनको रत्निन कहा जाता था। तो ये बड़ा समारोह है जो राजस्व यज्ञ है। और जो दूसरा है वो वाजपेय यज्ञ है। वाजपेय यज्ञ जो है ये राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए, हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए, उसको स्वस्थ बनाने के लिए किया जाता था। वाजपेय यज्ञ की जो राजा है हमारा वो शक्तिशाली हो, स्वस्थ रहे और साम्राज्य विस्तार कर हमारी सुरक्षा करे, उसके लिए वाजपेय यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने बहुत सुना होगा। ये जो है होता था, इसका जो मतलब टाइम पीरियड है वो 3 दिन का होता था। अश्वमेध यज्ञ 3 दिन चलते थे, लेकिन इसमें एक विशेष आयोजन होता था। एक घोड़े को अभिषेक करके उसे एक साल के लिए घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। वो 1 वर्ष घूमता रहता था और वो जहां जहां तक जाता था तो माना जाता था कि वहां तक राजा का साम्राज्य है, वहां तक के लोग जो है राजा के अधीनता को स्वीकार करते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस घोड़े को रोकने का प्रयास करता था या उसे पकड़ता था तो माना जाता था कि वो राजा को चुनौती दे रहा है, राजा की अधीनता को स्वीकार नहीं करता है। और फिर उस घोड़े को छुड़ाने के लिए राजा को या उनके अधिकारियों को युद्ध करना पड़ता था और उस व्यक्ति को हराना पड़ता था जो घोड़े को उनकी पकड़ता था। तो ये 1 ईयर तक घूमता रहता था घोड़ा, एक साल बाद उसे पकड़ करके वापस राजधानी लाया जाता था। और जहां तक उसका विचरण होता था वो राजा का साम्राज्य मान लिया जाता था। उस घोड़े को वापस लाया जाता था और 600 साणों के साथ उसकी बलि दी जाती थी। और बलि देने के बाद उस मांस का जो है लोग सेवन करते थे। तो ये था अश्वमेध यज्ञ, काफी भव्य समारोह होता था। जितने भी राजा के जो है जान पहचान वाले होते थे सारे लोग, सारे अधिकारी उसमें उपस्थित होते थे। जो भी आसपास के सामंत जमींदार राजा के अधीन काम करते थे वो सारे लोग राजा के लिए गिफ्ट यानी कि उपहार लेके आया करते थे अश्वमेध यज्ञ में। और ये यज्ञ जो है राजा को या मतलब जो है शक्तिशाली दिखाने के लिए किया जाता था कि हमारा राजा कितना शक्तिशाली है। इस यज्ञ के दौरान 2 समारोह भी होता था, गोहरण और रथ दौड़। गोहरण में क्या होता था, जो राजा होता था वो किसी के घर से जा करके गायों के झुंड को हाक करके या वहां से उसको लेकर के आते थे और उनको रोकने के लिए लोग जो है उनसे युद्ध करते थे और उसमें राजा ही जीतता था। दूसरा जो संस्कार है रथ दौड़ का होता था, यहाँ पे रथ दौड़ होता था और जिसमें राजा ही हमेशा आगे निकलता था या जीतता था। ये सब राजा के पावरफुल या शक्तिशाली दिखाने के लिए समारोह आयोजित किए जाते थे जिसमें राजा ही हमेशा जीता करता था। इसके अलावा आपने यहाँ देखा शुल्क सूत्र है। शुल्क सूत्र क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है कि सबसे प्राचीन रेखा गणित का जो ग्रंथ है वो कौन सा है या गणित का ग्रंथ कौन सा है। तो शुल्क सूत्र है। इसमें यज्ञ वेदियों के माप के बारे में दिया है, यज्ञ वेदियों के माप की चर्चा है, के माप की चर्चा, यज्ञ वेदियों के माप की चर्चा जो है वो शुल्क सूत्र में मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है कि यज्ञ वेदियों की माप की चर्चा किस में मिलता है, तो शुल्क सूत्र में मिलता है।
होता है या शुल्क सूत्र किसके आधारित है, तो यज्ञ वेदियों के माप से संबंधित है। व्याकरण की बात करें तो व्याकरण जो है, व्याकरण का जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो कौन सा है, पाणिनी का अष्टाध्यायी है। बहुत ये भी क्वेश्चन आता है बार बार कि व्याकरण की सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो पाणिनी की अष्टाध्यायी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए पंच महायज्ञ किए जाते थे। पंच महायज्ञ में क्या है, ब्रह्म यज्ञ है, यानी कि यहाँ पे जो यज्ञ अनुष्ठान करके देवी देवताओं को प्रसन्न किया जाता था। दूसरा जो यज्ञ है पितृ यज्ञ है, इसमें इस यज्ञ में क्या होता था कि आपको पितृ जो है पितृ यज्ञ में अपने पितरों को, जैसे आप जानते हैं जब आदमी या इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके लिए जो है तर्पण श्राद्ध जैसे प्रोग्राम किए जाते हैं, तो ये श्राद्ध और तर्पण इसमें किया जाता था। और तीसरा है देव यज्ञ, यानी कि देवताओं को लेकर के यज्ञ किया जाता था, देवताओं के लिए यज्ञ होता था। और जो चौथा है वो आपका भूत यज्ञ है। भूत यज्ञ मीन्स होता है कि जो है आप जो दान दक्षिणा या जो खाने की चीजें हैं वो चारों दिशाओं में रख लीजिए और चारों दिशाओं के जो जीव है वो उस भोजन को आकर के ग्रहण करे, ये भूत यज्ञ कहलाता था। ठीक है, भूत यज्ञ कोई ऐसा डरावना यज्ञ नहीं है, बल्कि चारों दिशाओं में प्राणियों को भोजन देने के लिए किया जाता था। चारों दिशाओं के प्राणियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी, बल की व्यवस्था की जाती थी, वो भूत यज्ञ है। और चौथा है, पांचवा है मनुष्य यज्ञ। मनुष्य यज्ञ में मोस्टली अतिथि सत्कार होता था कि अतिथियों को बहुत ज्यादा सत्कार दीजिए, अतिथियों का सम्मान कीजिए, ये आपका होता था। पांचवा महायज्ञ मनुष्य यज्ञ होता है। इसके अलावा ऋण भी है, जैसे आप सुनेंगे पितृऋण, पितृऋण से ऋण होना है तो आपको अपने वंश को आगे बढ़ाना होगा, यानी कि संतान उत्पत्ति करनी होगी, और संतान उत्पत्ति में पुत्र प्राप्ति सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर जिस पुरुष के पुत्र नहीं होते थे तो उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता था, तो पितृऋण भी होता था, देव ऋण भी होता था, ऋषि ऋण भी होता था, यानी कि ऋषि अपने गुरुओं का और ऐसे लोगों का सम्मान कीजिए, उनको दान दक्षिणा दीजिए, तो ऋण भी होते थे। इसके अलावा उत्तरवैदिक काल में कृषि जो है महत्वपूर्ण हो गया था, और कृषि में आप देखेंगे दो अनाज गेहूं को गोधूम कहा जाता था, चावल को व्रीही कहा जाता था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि गेहूं को उत्तरवैदिक काल में क्या कहा जाता था या गोधूम किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो गेहूं को गोधूम, चावल को व्रीही कहा जाता था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि चावल को क्या कहा जाता था, तो व्रीही कहा जाता था। काठक संहिता में 24 बैलों से खेत की जुताई का उल्लेख मिला है, खेत की जुताई का उल्लेख मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सी संहिता में 24 बैलों से खेत की जुताई का साथ मिला है या उल्लेख मिला है, तो ये काठक संहिता है। कठोपनिषद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भी एग्जाम में आया है। कठोपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है, यम का संवाद है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम में आया है कि कौन से उपनिषद में नचिकेता और यम का संवाद है, तो कठोपनिषद, या कठोपनिषद में किसका वर्णन है, तो बहुत सारा ऑप्शन होगा लेकिन इसमें ही होगा नचिकेता और यम का संवाद है। उत्तर वैदिक काल में चारों वर्णों के संबोधन के लिए भी अलग अलग वर्ण का उपयोग किया जाता था, जैसे अगर जो है पंडित वर्ग के लोगों को बुलाया जाता था तो उनके लिए अलग वर्ण उपयोग किया गया, अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। वैश्य के लिए अलग और शूद्र के लिए अलग शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे जो ब्राह्मण होते थे उनके लिए जो है एही, यानी कि आइए, एही मीन्स होता है आइए, आइए वर्ड का उपयोग किया गया है। आगाह, आगाह मीन्स होता है कि आओ, आओ। क्षत्रियों के लिए आगाह शब्द का प्रयोग किया जाता था, यानी कि ब्राह्मण के लिए जो है एक ही शब्द, एक का मतलब आइए, क्षत्रियों के लिए जो उपयोग किया जाता था आगाह, आगाह मीन्स आओ। जो वैश्य हैं उनके लिए उपयोग किया जाता था आद्रो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और जो शूद्र होता था उनके लिए आखाओ, आखाओ वर्ड उपयोग किया जाता था, यानी कि दौड़ कर आओ, दौड़ कर आओ।
ये वर्ण जो प्रयोग किए जाते थे उस समय संबोधित किया जाता था इन्हीं वर्णों से। तो ब्राह्मण को ए ही मतलब आइए, क्षत्रिय को आगार मतलब आओ, आद्रव वैश्य के लिए यानी कि जल्दी आओ, और आघव ये सूत्र के लिए है, इसका मतलब होता था कि दौड़ कराओ। इस तरह के वर्ड का उपयोग किया जाता था। इससे भी लगता है कि समाज में कितना ज्यादा विभेद था। और जब आप देख रहे हैं उपनयन संस्कार जो होता था, उपनयन संस्कार में जो जनेऊ धारण करते थे लोग या जो यज्ञ उपवीत धारण करते थे उसके धागे में भी अंतर होता था। जो ब्राह्मण होते थे उनका जो यज्ञ उपवीत होता था यानी कि जो उसका जनेऊ होता था वो सूत का होता था, सूत में काटन का होता था। ब्राह्मण का सूत यानी कि कॉटन का होता था। जो क्षत्रिय का होता था यज्ञ उपवीत, क्षत्रिय का जो होता था वो एक मिनट जो आगे देख लेते हैं, हम बताएंगे आपको इसकी कलर माइंड से। जो वैश्य का होता था, वैश्य का ये ऊन का होता था, ऊन ये ऊन का होता था। तो जो ब्राह्मण है उनका सूत काटन का होता था, जो वैश्य है इनका जो सूत होता था वो ऊन का होता था, और क्षत्रिय का जो होता था ये यहाँ पे याद नहीं आ रहा है, चलिए कल बता देंगे बच्चों। और ये तीनों जो है ऊपर के वर्ण इन्हीं का सिर्फ उपनयन संस्कार होता था, नीचे के जो चौथे नंबर का वर्ण आता है यानी कि शूद्र उसके लिए आज उपनयन संस्कार की व्यवस्था नहीं थी, उसको शिक्षा देने का अधिकार नहीं था। तो ये जो ऊपर के वर्ण है इन्हीं को द्विज कहा जाता था यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य, इनको मिला करके द्विज कहा जाता था। द्विज मीन्स होता है जो दोबारा जन्म ले, जिसका दोबारा जन्म हो। आपको पता है एक बार इंसान इस दुनिया में आता है वो पहला जन्म है, दूसरा जन्म माना जाता है कि जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उस दुनिया को समझ लेता है, जान लेता है, तो एक जन्म उसका दोबारा होता है। तो ये जो दोबारा जन्म होता है वो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य का होता है, शूद्रों का नहीं होता, क्योंकि शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं माना गया है, उन्हें शिक्षा अध्ययन नहीं दिया जाता है। तो ये द्विज में जो है वो सूत्र शामिल नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया है कि द्विज में कौन कौन शामिल है या कौन शामिल नहीं है, दोनों तरह के क्वेश्चन बने हैं, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। जो उपनयन संस्कार होता था उसमें जो ब्राह्मण होते थे उनका उपनयन संस्कार ब्राह्मणों का 8 वर्ष की एज में होता था, ब्राह्मण का उपनयन संस्कार 8 वर्ष की एज में होता था, 8 वर्ष की, और क्षत्रियों का 11 वर्ष की एज में होता था, 11 वर्ष, और वैश्य का 12 वर्ष की एज में जो है उपनयन संस्कार होता था, यानी कि एज में भी डिफरेंसेस है। ब्राह्मण 8 वर्ष की एज में उपनयन संस्कार होगा यानी कि शिक्षा अध्ययन के लिए जाएगा घर से बाहर, क्षत्रिय 11 वर्ष की एज में जाएगा घर से बाहर यानी कि 11 वर्ष की उम्र में वो उपनयन संस्कार होगा उसका, और वैश्य का 12 वर्ष की उम्र में जो है संस्कार होता था, उपनयन संस्कार। इसके अलावा मौसम में भी इसमें जो है रहता था डिफरेंसेस। जो ब्राह्मण है इनका उपनयन संस्कार बसंत ऋतु में होता था, बसंत ऋतु में, जो क्षत्रिय है इनका उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में होता था, ग्रीष्म, और जो वैश्य है इनका उपनयन संस्कार शीत ऋतु में होता था यानी कि ठंडक के समय में होता था। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जनेऊ के जो क्वालिटी है उसमें भी अंतर है, और यहाँ पे जो टाइम है मौसम का वो उसमें भी अंतर है, और आप देख रहे हैं कि जो एज है इसमें भी अंतर है, यानी कि हर जगह समाज में जो है अंतर को व्याप्त कर दिया गया, छोटी छोटी चीजों में भी दिखाया गया कि कौन श्रेष्ठ है और कौन कम श्रेष्ठ है और कौन बिल्कुल भी श्रेष्ठ नहीं है। तो हर चीज में समाज में आप क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया गया कि आपको इसी के अंतर्गत रहना है, आप इसके बाहर नहीं जा सकते हैं। तो उत्तरवर्ती काल में आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा भिन्नता आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ज्यादा भिन्नता देखने को मिलता है। तो यहाँ तक क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसी यज्ञ उपवीत का वर्णन है कि कैसे कैसे अलग अलग सूत्र से ब्राह्मण को
इसके अलावा ऐत्रेय ब्राह्मण में वेरी इंपॉर्टेंट, ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक और पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण है जिसमें पुत्र को रक्षक और पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दुख का कारण पुत्रियां है और पुत्र रक्षक है परिवार का, ये ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है। मैत्रायणी संहिता तो और भी ज्यादा इसमें वर्णन कर दिया गया है। इसमें कहा गया जो स्त्री है उसकी तुलना मदिरा और पासा पासा और विष, इसमें महिलाओं की या स्त्रियों की तुलना मदिरा से किया गया है। पासा में जुआ से किया गया है और विष में जहर से किया गया कि जो महिलाएं हैं वो मदिरा और पासा और विष के समान है, ऐसा कहा गया है मैत्रायणी संहिता में। भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस संहिता में महिलाओं की तुलना मदिरा पासा और विष से किया गया है, तो मैत्रायणी संहिता। आप देख सकते हैं समाज में महिलाओं के लिए कौन सा दृष्टिकोण जो है इस तरह की संहिताओं में रहता था उस समय। बृहदारण्यक उपनिषद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। इसमें जो गार्गी है और याज्ञवल्क्य है ये दोनों लोग भाई बहन हैं और इनका संवाद होता है, ये बार बार प्रश्न बनता है, गार्गी और याज्ञवल्क्य भी दिया रहता है, याज्ञवल्क्य या याज्ञवल्क्य इनका संवाद है, जिसमें जो याज्ञवल्क्य है ये अपनी बहन गार्गी से संवाद में हार रहे थे और जब वो हार रहे थे तो उन्होंने क्या किया, गार्गी को डांट के चुप करा दिया जबरदस्ती की, आप चुप रहो मेरी ही बात सही है। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य गार्गी को चुप करा देते हैं डांट करके। ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी है, विद्वान महिला है। इसके अलावा मैत्रेयी, मैत्रेयी ये दो महिलाएं हैं जो उत्तर वैदिक काल की विद्वान महिलाएं हैं। ऋग वैदिक काल में तो आपको बहुत सारी महिलाओं का नाम मिला था, अपाला मुद्रा लोपा मुद्रा घोषा विश्वारा पौलेमी ऐसी बहुत सारी महिलाएं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में देखिए विद्वान महिलाओं की संख्या घट गई, सिर्फ दो विद्वान महिलाओं का उल्लेख मिला है, गार्गी और मैत्रेयी, जिसमें से गार्गी को उनके ही भाई ने संवाद में हारते वक्त डांट करके चुप करा दिया, इस बात का उल्लेख हमें मिला है बृहदारण्यक उपनिषद में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। इसके अलावा जावालोक उपनिषद, ये भी एक उपनिषद है जावालोक उपनिषद, इसमें पहली बार चारों आश्रमों की चर्चा मिली कि जो आश्रम मनुष्य का जो जीवन है उसे चार भागों में बांटा गया है, चार आश्रमों में बांटा गया है। पहले 25 साल को ब्रह्मचर्य, दूसरा 25 साल गृहस्थ, तीसरा 25 साल वानप्रस्थ और उसके बाद 75 से जो बाद का 25 साल होगा 100 तक का वो संन्यास आश्रम। तो इन चारों आश्रमों का जो उल्लेख है वो आपका जावालोक उपनिषद में मिलता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है मुंडकोपनिषद, मुंडकोपनिषद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें किसका उल्लेख मिलता है बच्चों, सत्यमेव जयते, जो आपके राष्ट्रीय चित्र में लिया गया प्रतीक उसमें नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, ये जो वर्ड है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी मुंडकोपनिषद में जो वेदों की तुलना है वो किया गया है किससे, टूटी हुई नौका से किया गया है, वेदों की जो तुलना है वो टूटी हुई नौका से किया गया है मुंडकोपनिषद में ही। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया भी है कि कौन से उपनिषद में वेदों की तुलना टूटी हुई नौका से किया गया है या टूटी हुई नाव से किया गया है, तो मुंडकोपनिषद की चर्चा। और इसके अलावा आप देख रहे हैं पुरुषार्थ, पुरुषार्थ कितने हैं, चार कौन कौन से, काम अर्थ मोक्ष, हाँ बताइए, धर्म काम अर्थ मोक्ष, हाँ बिल्कुल, धर्म काम अर्थ काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ माने जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को पुरुष को ये चार पुरुषार्थ प्राप्त करने, यानी कि धार्मिक कार्य भी करना है, इसके अलावा अर्थ यानी कि पैसे कलेक्ट करने हैं ताकि उनका जो जीवन है जो सामाजिक काम है दान दक्षिणा और अपना परिवार वो चल सके, जो है ये हो गया आपका क्या क्या हो गया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी कि संतान उत्पत्ति भी होनी चाहिए काम में, और जो मोक्ष है यानी कि संसार से जो मुक्ति पाने के लिए उसे जो भी धार्मिक कार्य करने चाहिए, जो भी अच्छे कार्य करने चाहिए वो भी करने चाहिए। तो ये चार पुरुषार्थ है। इसके अलावा ऋण मैंने बताया कि पितृ ऋण यानी कि संतान उत्पत्ति कीजिए, ऋषि ऋण यानी कि अपनी गुरुओं का सम्मान कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए, देव ऋण यानी कि देवताओं के लिए हवन यज्ञ कराइए, इस तरह से ऋण होते थे। इसके अलावा और भी ऋण है लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है, पितृ और ऋषि
और देव। उत्तर वैदिक काल में तीन आश्रमों की वर्णन है, यानी कि जब उत्तर वैदिक काल में आप आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ तीन आश्रम पाए जाएंगे, यहाँ पे संन्यास आश्रम का वर्णन नहीं मिलेगा। सिर्फ ऊपर के तीन आश्रम ब्रह्मचर्य जो 25 वर्ष तक है, गृहस्थ जो 50 वर्ष तक है और वानप्रस्थ जो 50 से 75 वर्ष का है, ये तीन आश्रमों का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलेगा। लास्ट का जो संन्यास आश्रम है उसका उल्लेख एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है, बुद्ध काल या सूत्र काल जो इसके बाद का काल आता है उसमें चौथे आश्रम का कॉन्सेप्ट आता है। जो संन्यास आश्रम है वो बुद्ध काल या सूत्र काल में आता है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में संन्यास आश्रम नहीं है, शुरुआत के तीनों आश्रम है। ठीक है, वेदांग ये आप देख रहे हैं, वेदांग जो है यानी कि वेद के ये अंग माने गए हैं, जिसमें आप देखेंगे शिक्षा है, शिक्षा का मीन नासिका है, शिक्षा का जो तुलना है वो नाक से किया गया है, कल्प की जो तुलना है वो हाथ से किया गया है, कल्प मीन्स हाथ बताया गया है, व्याकरण जो आपका वेदांग है इसका मुख से तुलना किया गया है कि व्याकरण मीन्स मुख होता है, निरुक्त को कान से कहा गया है, कान से तुलना की गई कि जो निरुक्त है वो कान के समान है, और जो छंद है इसकी तुलना जो है वो पैर से किया गया है, और जो ज्योतिष है इसकी तुलना आंख से किया गया है। तो आपके छह वेदांग है, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण और चौथा है निरुक्त, पांचवा है आपका छंद और छठा है आपका ज्योतिष। ये आपके छह वेदांग हैं। बहुत यही क्वेश्चन आता है, कोर्ट में भी आता है, सिंगल भी आता है, और इसका क्या मतलब है ये भी आपको पता होना चाहिए। शिक्षा का मीन्स नासिका से तुलना, कल्प का हाथ से तुलना, व्याकरण का मुख से तुलना, निरुक्त का कान से तुलना, छंद का पैर से तुलना और ज्योतिष को आंख से तुलना या आंख की उपाधि के लिए शरीर के अलग अलग अंगों से इनको अलंकृत किया गया, अलग अलग अंगों से संबोधित किया गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम बच्चों? नो प्रॉब्लम, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और जो बच्चे हमें देखते हैं, मैं डेली कहती हूँ, मैं फिर कहूंगी, खूब सीरियसली पढ़ाई कीजिए बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कीजिए और इसको नोट करके बार बार रिवाइज कीजिए, बहुत ही यूजफुल होगा आप लोगों के लिए। ओके, थैंक यू मैम।